नमस्ते, मेरा नाम सुरेश है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। हम जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं। जम्मू कश्मीर में DDC का चुनाव चल रहा है और जब मैं चुनाव में जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं उनकी मैं लिस्ट देख रहा था तो एक नाम पर मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान गया। नाम था सौम्या सदफ का। ध्यान क्यों गया, उसके पीछे की एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो ये दिखाती है कि भारत की जमहूरियत में या जमहूरियत में कश्मीर के लोगों का कितना भरोसा है। सौम्या सदफ जी मेरे साथ हैं, अभी उनसे बात करते हैं, उनकी कहानी जानते हैं और क्यों चुनाव लड़ रही हैं, क्या मुद्दों पर लड़ रहे हैं, सारी बात उनसे करेंगे। सौम्या जी, पहले तो ये मुझे इलाके की बता दीजिए, कौन सा इलाका है ये? जो है तो ये डिस्ट्रिक्ट कफ आ रहा है और ये इसमें एक छोटा सा गाँव है बातरगाम, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है। कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर का ज़िला है और जो मिलिटेंसी की फर्स्ट वेव कश्मीर में चली थी, जो मिलिटेंसी की शुरुआत हुई थी late 80s और 90s में, उस वक्त सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी वाला जो एरिया था वो कुपवाड़ा भी उसमें शामिल है। यहाँ से हज़ारों लड़के सरहद के उस पार गए, LOC के उस पार गए और उन्होंने हथियार उठाए, तो उस इलाके में अभी हैं हम। कुपवाड़ा का गाँव कौन सा बताया आपने? बातरगाम है। तो अच्छा, पहले तो मुझे ये सौम्या सदफ, क्योंकि मैंने सौम्या नाम पहली बार सुना है, तो इसका मतलब ज़रा बताएंगे? इसका मतलब जैसे ये माह सयाम रमज़ान का महीना जो होता है तो उससे रिलेटेड मेरा नाम है। सौम्या का मतलब है रोज़ेदार। सौम्या का मतलब है रोज़ेदार जी। और सदफ? सदफ का मतलब है मोती। ये इसका जिक्र कुरान में भी आया हुआ है। ये एक कीमती मोती है जिसको हीरा भी आप कह सकते हैं। उसका सदफ का मतलब ये सदफ का मतलब है मोती। तो आप भी यहाँ कश्मीर के लोगों के लिए एक मोती की तरह हैं, चुनाव में हिस्सेदारी ले रही हैं। आपकी पैदाइश कहाँ की है? मेरी पैदाइश मुजफ़्फ़राबाद की है। मुजफ़्फ़राबाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, बड़ी सिटी है वहाँ की। तो मुजफ़्फ़राबाद और मुजफ़्फ़राबाद चुनाव आप यहाँ लड़ रही हैं। हमारे नेता तो कहते हैं कि मुजफ़्फ़राबाद में कभी तिरंगा लहराएंगे। आपका इधर कैसे आना हुआ? मैं इधर मेरा आना ऐसे हुआ, मेरी शादी हुई है, शादी होके मेरा ससुराल है यहाँ, तो हम लोग यहाँ पे 2010 में आए थे। जब हुकूमत उसकी उमर अब्दुल्ला की हुकूमत थी नेशनल वालों की, उन्होंने बाज़बादकारी पॉलिसी का ऐलान किया था, उसके तहत हम लोग इधर आ गए थे। उस कश्मीर से इस कश्मीर में हिजरत करके हम लोग आए थे। अच्छा, मुजफ़्फ़राबाद से रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो चलाई उमर अब्दुल्ला सरकार ने, उसके तहत आए? उसके तहत हम लोग आए थे जी। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम उनके लिए चलाया गया था जो यहाँ के लड़के, इस हिस्से के लोग उस हिस्से में गए थे, मुजफ़्फ़राबाद या POK वाले हिस्से में गए थे। उनमें से जो वापस आना चाहता था, मिलिटेंसी जो छोड़ चुके थे वो जो वापस आना चाहते थे, उनके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम यहाँ की सरकार ने चलाया था। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं वो एक्स मिलिटेंट है, मतलब वो उस यहाँ से उस पार गए थे? वो थे। हम लोगों के जब वहाँ से यहाँ आए तो हम लोग अमन का एक पैगाम लेकर आए और इंशाल्लाह हम आगे भी यही कोशिश करेंगे कि अमन बरकरार रखें। जैसे अमन का पैगाम लेकर आए थे उसी अमन पे हम कायम रहें। तो किस साल आपका आना हुआ है? हम 2010 में आए थे। 2010 में आए थे। अच्छा, उसके बाद चीज़ें कैसे रही? यहाँ के लोगों ने एक वेलकम वाला उस तरह का नेचर दिखा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। चीज़ें ठीक रही हैं? हाँ, बस ठीक था। अगर इंसान खुद से मेहनत करेगा, कमा के तो कोई किसी को नहीं देते। ठीक, हम लोग भी आए, हमने भी अपना काम शुरू किया, बिजनेस छोटा मोटा किया, तो लेकिन ये है कि आगे बढ़ते गए, चलते गए, ठीक था। बेटियों के लिए तो घर ससुराल ही होते, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो। अच्छा, तो आपकी शादी किस साल में हुई थी? मेरी शादी 2002 में हुई थी। 2002 में हुई थी और 2010 में आप इस पार आए। तो ऐसा क्यों लगा कि आपको उस पार जाना चाहिए? ये आपके हस्बैंड ने इसके लिए आपको अगर कन्विंस किया तो? नहीं, इन्होंने मुझे कन्विंस नहीं किया। ये अलग से एक बात थी, मेरी ख्वाहिश थी कि ये, इनको 22 साल हो गए थे अपनी फैमिली से अलग, तो मेरी यही कोशिश थी। मैं इसी वजह से हम लोग आए भी कि ये अपनी फैमिली से मिल सकें, स्पेशली अपनी अम्मी से। क्यों, ये लोग, ये उस वक़्त
उधर से हम मुजफ़्फ़राबाद में थे, इनके वालद साहब की डेथ हो गई थी, इनकी सिस्टर की शादी भी हुई, तो इनको बड़ा फील होता था, तो इसी वजह से हम लोग आए कि ये अपनी फैमिली के साथ मिल सकें। बाकी और ऐसा कोई कुछ नहीं था हमारे जहन में। तो मुजफ़्फ़राबाद भी कश्मीरी था पहले, 1947 से पहले सारा एक ही पार्ट था कश्मीर का। बीच में LOC जब पार्टीशन हुआ तो LOC खिंच गई, तो हिस्सा अलग हो गया जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में हमारा तो ज़्यादा खबरें तो आती नहीं है, और ख़बरें यही आती हैं कि वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स या उस तरह के मुजाहिद तैयार किए जाते हैं या उनकी तकरीर या इस तरह की चीज़ें आती हैं। वहाँ के लोग इंडिया के बारे में या कश्मीर के इस हिस्से के बारे में क्या सोचते हैं? ये तो मुझे क्या पता, मेरा काम तो घर में किचन में। जनरली आप लोग जब छोटे थे या जब आपकी शादी नहीं हुई थी उस वक्त एक होता है ना कि इस बारे में क्योंकि चीज़ें ज़्यादा पता नहीं है, पहले तो हिस्सा ही था लेकिन बाद में बीच में एक लकीर खिंच गई। हाँ, इस बारे में मैं आपको बताऊँ, मैं पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई अभी मैंने मैट्रिक ही किया था, 12th में ही थी, तो मेरी शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए, वहाँ से उठे तो यहाँ आ गए, तो इसके बारे में ना मुझे कुछ पता है। तो अच्छा, यहाँ और वहाँ में कुछ अंतर है? अंतर मैं उस अंतर में पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेशन या उस आधार पर नहीं पूछ रहा, तहजीब का, आपका खाना पीना, रहन सहन उस तरह। हाँ, कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है, कल्चर अलग है, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कल्चर अलग है, हमारा अलग है, यहाँ का अलग है, बिल्कुल अलग है। तो 2010 में आप यहाँ आ गए, और अब बाहर से आए जाहिर है, तो शुरुआत में तो सरकार ने एक मदद की होगी, लेकिन बाद में अपना घर बसाने के लिए, घर बनाने के लिए, तमाम सारी चीज़ों के लिए रोज़गार चाहिए होता है, तो क्या शुरुआत कैसे हुई आपने? हाँ, वैसे सरकार ने तो कोई मदद नहीं की, जो उन्होंने ख्वाब दिखाए थे, बुलाया था, वो तो वैसे के वैसे ही रह गए। अलबत्ता ये कि हम लोगों ने खुद मेहनत की, तो कुछ टाइम 2016 में गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम एक चला था, ये उम्मीद, तो वो एक चीज़ मिली हमें आगे बढ़ने की। रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जब लाए गए थे तब आपको क्या कहा गया था? वो उन्होंने उसमें कहा था कि जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे आ जाएंगे, तो हम उनको यहाँ पे अच्छे तरीके से बिजनेस देंगे, नौकरियाँ देंगे, उनको सेटल किया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, जब आप आए तो आपको नौकरी या आपके हस्बैंड को या आपको नौकरी या कुछ आर्थिक मदद मिली? नहीं, फाइनेंशियल हेल्प? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं, एक हमें नहीं, किसी को भी कोई कुछ नहीं मिला। जो भी कर रहा है तो अपने बलबोते पे कर रहे हैं, जो भी बिजनेस करते हैं वो अपने बलबोते पे। अच्छा, तो फिर आपके बच्चे भी रहे होंगे, परिवार कितने बच्चे थे आप? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, एक बेटी है, 3 बेटे हैं। 3 बेटी और एक बेटा, सॉरी, 3 बेटे और एक बेटी, बेटी। 4 ये और 2 आप, 6 लोग थे। तो 6 लोगों का परिवार चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, रहने के लिए जगह चाहिए होती है, अगर घर आपका पुराना वाला जो उनका था वो भी अगर मिल गया तो भी चलाने के लिए खर्चा चाहिए होता है, तो कैसे आपने मैनेज किया? मैं काम क्या शुरू किया यहाँ? ये मैं आपको बताऊँ, हमारे घर में जो थे हम लोग, मतलब फैमिली ससुराल मेरे, वो बहुत अच्छे लोग हैं, हमें फुल सपोर्ट मिली उनकी तरफ से, किसी किस्म का कोई तंग करना या कुछ जिस तरह बाकी लोगों को किया गया वैसा कोई नहीं था। तो हम लोगों ने वैसे, हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, लेकिन यह है कि हर चीज़ मैसर थी, और हम लोगों ने भी मेहनत की साथ, हम लोग भी आके बैठे नहीं, करते रहे, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ने भी जो है तो फल दिया। उम्मीद प्रोग्राम का जिक्र कर रहे थे अभी आप, तो उम्मीद इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, ये मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है कि ये बहुत अच्छा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है जी, ये सेल्फ हेल्प जिसे आप कहेंगे, हेल्प ग्रुप। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा, ये आगे भी चलना चाहिए, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिली है। इसके तहत क्या, किस तरह की मदद मिली आपको? ये तो इसमें पहले तो ग्रुप्स बनते हैं, फिर उसमें ग्रुप्स में जुड़ना पड़ता है 8 से 10 लोगों को, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इसमें पैसे आते हैं, RF आते हैं, CIF आते हैं, फिर बैंक लेके जाती है, बैंक का भी, तो ये बड़ा मतलब हेल्प मिल जाती है, क्यों इसमें किसी गारंटर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आपको आज तो अच्छी खासी, पहले तो 10 से 20 हज़ार मिलता था, आज तो लाखों में मिल जाते हैं, तो ये है कि मुझे लगता है ये प्रोग्राम आने के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है।
तो ये SHG वाला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला जो प्रोग्राम था, ये किस साल, 2011 के आसपास? नहीं, ये 2016 में आया है। 2016 मोदी गवर्नमेंट के बाद? जी। अच्छा, 15 से। और उसके 2016 और अब हम 2020, लगभग 4 साल का हुआ। पाँच साल। ये मैं 16 में जुड़ी, लेकिन ये पहले 15 में आया, 14-15 में आया हुआ है। हम लोग 16 में जुड़े थे इसके साथ। फिर आता है 2019, 5 अगस्त 2019, जब आर्टिकल 370 हटाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटाया। तो उस वक्त यहाँ चीज़ें कैसी थी, टेंस था माहौल? बहुत ज़्यादा टेंस था, बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का, हालात, कारोबार का, कारोबार का बहुत ज़्यादा। मैं आपको अपना बताऊं कि हम लोग डेयरी फार्म भी चला रहे थे, उसके साथ साथ पोल्ट्री फार्म भी, स्कूल में कैंटीन भी चलती थी, स्कूल के साथ वैन भी लगी हुई थी, मेरा सेंटर भी चलता था। तो वो एकदम से सारा बंद हो गया, अचानक से। 4 तारीख को हमारा दूध जाते 130 लीटर, तो 5 से लेकर 20 तक 1 लीटर भी नहीं जाते। तो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान। मेरे ख्याल में जो बिजनेस वाला तबका था वो तो ज़ीरो पे पहुंच गए हुए हैं, जो मुझे लग रहा है। तो उस चीज़ ने बहुत नुकसान किया। तो उसको लेकर लोगों में एक गुस्सा दिखा है? बहुत ज़्यादा गुस्सा था। गुस्सा दो तरह से मैं इस सवाल को पूछता हूँ कि एक तो जैसे कारोबार का नुकसान होता है तो गुस्सा होता है, जैसे अभी लॉकडाउन में भी हमने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ तो कारोबारियों में जिनका धंधा बंद हो गया उनको बहुत गुस्सा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा ये होता है कि एक आर्टिकल 370 से कोई अटैचमेंट हो तो उसको लेकर हो कि ये गलत किया। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो जो है कि इंसान, जब कोई बंदा कारोबार करता है तब वो अपना घर चलाते हैं, जब घर चलते हैं फिर मुल्क भी चलता है। भूखे पेट या नंगा रह के ना घर चलेगा तो मुल्क। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। भूखे पेट तो जो है सबसे पहले तो घर होता है, घर होते हैं, मुल्क की बाकी चीज़ें बाद में आती, बाद में आती हैं। बिल्कुल, सबसे पहले रोजगार है, कारोबार है, कारोबार है, तब उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में सोचा या देखा जाता है। अच्छा, मैं खबरें पढ़ रहा था, आपने एक बार पीएम मोदी से भी आपका इंटरेक्शन हुआ? जी, मैंने स्टेट लेवल पे अपने स्टेट की तरफ से जो है तो स्टेट की नुमाइंदगी करते हुए उनके साथ बात की थी, बिजनेस के हवाले से ही। किस साल की बात है ये? शायद 18 की बात है। दो एक साल पहले? 2 साल पहले की। जी, 18 की बात है। फिर बात आती है 2020 में नवंबर में DDC का चुनाव आता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ये चुनाव में हिस्सा लेने वाली बात कहाँ से कैसे आई? ये चुनाव में मैंने आपको बताया कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला था जिसके ज़रिए मैं, हम लोग इतने आगे तक पहुँचे। तो उन्हीं, जो मेरी बहन है, उन्होंने ही मुझे फोरस किया कि आप इलेक्शन लड़ो, इसी वजह से मैं। अच्छा, आपके परिवार ने आपको कन्विंस किया कि चुनाव लड़ना चाहिए? परिवार को तो खैर, बहने, आप कह रहे हैं बहने, वो मेरा, मैं आपको बताऊं, ये आपकी बहने तो, आपका तो मायका तो मुजफ्फराबाद में है, बहने का मतलब आप मुजफ्फराबाद वाली बहनों की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उम्मीद, ये हमारा एक मेका बन गया हुआ है। इसमें हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात शेयर करते हैं। उन्हीं बहनों ने मुझे मशवरा दिया कि आप इलेक्शन लड़ो, तो उन्हीं को ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी और भी महिलाएं हैं वो आपका एक परिवार की तरह है, और बिल्कुल वो परिवार, उन महिलाओं को लगा कि अगर आप चुनी जाती हैं या आप एक किसी पद पर जाती हैं तो उनकी ज़्यादा मदद हो पाएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, कश्मीर के बाहर के लोग, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जो हैं, दिल्ली के या बाकी और जगह के, वो यहाँ के सब लोगों से या सबके सेंटीमेंट्स या सब लोगों की एक दिल में क्या है वो चीज़ें बाहर नहीं जाती हैं, कुछ लोगों के एक तरफ से जो कम्युनिकेशन होता है वही उनके पास जाता है। तो कई तरह की बातें हैं, बातें इस तरह की हैं कि आर्टिकल 370 हटा दिया तो वहाँ के लोग जो है उसमें चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहते, या बहुत गुस्सा है, कई तरह की चीज़ें हैं। असल में मुद्दा क्या है, मतलब यहाँ चुनाव में आपका इलेक्शन यहाँ हो, किस तारीख को इलेक्शन था? 7 को इलेक्शन था, तो यहाँ लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, वोटिंग के लिए गए, आपके गांव में आसपास के लोग थे, लेकिन उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं, बहुत कम। मैं आपको एक बात बताऊं,
सोच हर बंदे की अपनी है, ठीक, आप किसी की सोच नहीं चेंज कर सकते हैं। अलबत्ता आप इतना कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप अपने लिए वही रास्ता चुनेंगे। अलबत्ता सोच किसी की नहीं चेंज की जा सकती है, कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ इतना है कि अपने बारे में भी अगर इंसान बताते हैं कुछ, तो मुझे नहीं लगता दूसरा बंदा यकीन करेगा कि इसने जो बोला वो दिल से बोला है कि दिमाग से बोले। तो आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रही हैं उसका नाम क्या है? द्रगमुला। द्रगमुला कितने गांव आते हैं इसमें? इसमें 34 विलेजेस आते हैं। तो आप किसी पार्टी से हैं? नहीं नहीं, पार्टी से नहीं, मैं आज़ाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। आपने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ा होगा तो जाहिर है आप कैनवासिंग के लिए भी गए होंगे, चुनाव के प्रचार के लिए भी गई होंगी, तो लोगों का रेस्पॉन्स किस तरह होता था? हाँ मैंने डोर टू डोर कैंपेन किए, ऐसे तो बहुत। अच्छा, आप मैं ये पूछ, जैसे मैं देखते हैं रैलीज में देखते हैं नेता भाषण देते हैं, मुद्दे बताते हैं और फिर वादे करते हैं कि हम ये करेंगे आपके लिए, ये करेंगे, ऐसा होगा, आप वोट लेने के लिए क्या क्या कहते थे? हाँ मैंने तो कुछ नहीं कहा कि मैं ऐसा करूँगी या वैसा करूँगी, मेरे ख्याल में जब मैं करूँगी तो। मतलब आपकी इतना भरोसा है लोगों को आपको लेकर कि आपको कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको उम्मीद थी कि वैसे ही वोट दे देंगे? नहीं, मेरा ये फर्स्ट टाइम था, मेरी पहली सीढ़ी थी। जब हम आ जाते हैं इक्तदार में तो इंशाल्लाह हम काम भी वैसे ही करेंगे कि ताकि दूसरे टाइम हमें जो है तो कैंपेन ना चलानी पड़े वोट मांगने के लिए। अच्छा, तो जैसे आप अलग यहाँ के गांव में तो लोग जानते होंगे आप, और आप बोल रहे हैं कि काफ़ी गांव हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दूसरे गांवों में जहाँ जाते थे तो उसमें आप मुजफ्फराबाद की हैं, इसका कोई इशू होता था? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने फील्ड वर्क बहुत किया हुआ है, मेरी फील्ड एक बनी हुई है। आज ये इलेक्शन की वजह से नहीं, मुझे 2016 से मैक्सिमम, मैं आपको बताऊँ, डिस्ट्रिक्ट कपवारा में कोई ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ मुझे जानते नहीं होंगे लोग। कुपवाड़ा ज़िले में ऐसा कोई गांव नहीं होगा आज? जी हाँ बिल्कुल, क्यों, मैंने अपने बिजनेस के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कपवारा में पहला डेयरी फार्म है जो हम लोगों ने शुरू किया था, ये 2016 में हमने स्टार्ट किया डेयरी फार्म, तो उसके बाद से मुझसे हम इंस्पायर हो के लोग मशवरे लेने भी आते थे। आपसे लोग मशवरे लेने भी आते? जी, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने और भी डेयरी फार्म शुरू किए। तो मैं थोड़ा और स्पेसिफिकली कोई कहानी पूछना चाहूँ आपसे कि जिस तरह से आप आए थे, आपके पास कुछ नहीं था, आपने जीरो से शुरू किया, लेकिन अब आप जो है 10-11 साल में, एटलीस्ट 10 साल में आपने ठीक ठाक यहाँ बना लिया और बाकी लोगों की भी मदद कर रही हैं, कोई और कहानी जिसमें आपने मदद की हो, जिसका कुछ नहीं था, जीरो से शुरू किया और आज इसका ठीक ठाक आर्थिक हालत बन गई हो, कोई महिला? अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, इतना हम नहीं पहुँचे कि हम किसी की उस तरीके से मदद कर सकें। अलबत्ता इतना है कि अगर किसी को मशवरा देते हैं, अच्छा देते हैं, हमारे घर में तकरीबन मैं अवेयरनेस कैंपों में भी जाती हूँ, मैं अगर बैंक का होते है बैंक के ज़रिए भी जाती हूँ, उसके अलावा किसी डिपार्टमेंट का होते है तो उसमें मैं जाती हूँ अवेयरनेस कैंपों में बिज़नेस के आइडियाज़ देने के लिए, तो घर में भी अक्सर जो है तो ताना बाना लगा रहते, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी मैंने बताया है तो मेरे ख्याल में इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कपवारा में 12-13 डेयरी फार्म चल रहे हैं, तो वो सब मेरे हमारे फार्म के बाद ही खुले। तो आप जब चुनाव लड़ने का आपने फैसला किया कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपके शोर का क्या रिएक्शन था? वो तो हर जगह पे सपोर्ट मिला आपको? सपोर्ट में बिल्कुल, वो कभी किसी जगह पे कभी भी मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनते। ऐसा नहीं बोला कि चुनाव नहीं लड़ना करते हैं? नहीं नहीं, वो हम लोग कोई भी काम करते हैं हम सलाह मशवरे से करते हैं, ऐसा वो कहते हैं ना कि ये मियां बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम लोग हम दोनों ने साबित करके दिखाया है। कभी कभार तो झगड़े हो जाते हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें मेरे ख्याल में हमारी शादी को 17-18 साल हो गए तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ हम दोनों, क्यों ये जो रिश्ते है ये एतमाद के, तो हम लोग एक दूसरे से छुप के कोई काम ही नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो मेरे ख्याल में इसीलिए कभी ऐसा
कुछ भी नहीं हुआ और ना इंशाल्लाह आइंदा कभी होगा। अच्छा, और बच्चों का किस तरह से रिएक्शन था? आपने बताया कि तीन बेटे हैं और एक बेटी है जी। एक तो उम्र और उनके नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा सबसे बड़ा बेटा वो मैट्रिक में अभी 16 साल टेंथ में जी, उन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, मोहम्मद ताहा। उससे छोटी बेटी है 14 साल की है, सालेहा। उससे छोटा मेरा बेटा है मोहम्मद हुजैफा, वो 7th क्लास में। सबसे छोटा बेटा मेरा मोहम्मद अजान, वो 6th क्लास में। तो बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सपोर्टिव हैं, वो भी बहुत समझदार हैं। ऐसा खुश हो गए होंगे ना कि अम्मी चुनाव लड़ रही है? हाँ, वो बहुत खुश हैं। नेता बन गई अम्मी। हाँ, बच्चे बहुत खुश हैं, सब पूरे ससुराल वाले सब बहुत खुश हैं कि चलो इसको भी एक पहचान मिली, एक प्लेटफॉर्म मिला था, उसके इसने अच्छे से इस्तेमाल किया, आगे निकल रहे हैं। तो मुजफ्फराबाद में आपके अम्मी अब्बा हैं? जी, मेरी पूरी फैमिली है, अम्मी हैं, अब्बू हैं, सब लोग हैं, लेकिन वो भी सब बहुत खुश है कि कब रिजल्ट आएगा, तो हम देखते हैं हमारी बेटी कहाँ पहुँचती है। आप कह रहे हैं जब यहाँ कश्मीर में DDC का चुनाव का रिजल्ट आएगा तो एक मुजफ्फराबाद के घर में भी जश्न होगा यहाँ के साथ? इंशाल्लाह बहुत बड़ा जश्न होगा वहाँ का। अम्मी मेरा महके है, मेरी मासियाँ हैं, मेरी फूफियाँ हैं, मामू हैं, ताए हैं, चाचे हैं, सब लोग हैं। मैं एक बहुत बड़ी फैमिली से हूँ, तालक है मेरा, तो वो सब लोग बहुत खुश होंगे। अलबत्ता ये है कि थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, अगर ये बीच में एक लाइन ना होती तो बुरा लगता है। हाँ, बुरा लगता है। अलग कर दिया थोड़ा सा, थोड़ा अलग हो गए, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में बेटियों का रिश्ता मेरे से कभी टूटता नहीं है, चाहे जिस तरह के हालात भी हों। सबसे ज़्यादा जुड़ाव तो उनका मायके से ही होता है। बिल्कुल, तो ये है कि खुशी बहुत ज़्यादा, थोड़ा होगा अगर हम जीत जाते हैं तो खुशी में थोड़ा सा दुख भी होगा, कि अगर सब इकट्ठे होते तो ज़्यादा अच्छी बात होती। अम्मी की कितनी उम्र है? अम्मी मेरी अम्मी लगभग 60 जी। तो 10 साल हो गए करीब आपको उनको देखे, आप एक बार आने के बाद? मैं एक बार गई थी, मैं होके आई, मुझे पासपोर्ट मिला था, मैं 2016 में गई हुई थी, मैं मिल के आई। अच्छा, मैं ये पूछूं यहाँ से डिस्टेंस पूछूं तो मुजफ्फराबाद की दूरी यहाँ से कितनी होगी? मेरे ख्याल में जितना यहाँ से श्रीनगर का सफ़र है इतना यहाँ से मुजफ्फराबाद का भी है, 2-2.5 घंटे का जी। तो आप मुजफ्फराबाद जाते हैं तो कौन से, किस रूट से जाते हैं? मैं तो वाघा से गई थी, वाघा बॉर्डर से। वाघा, पहले आपको जाना पड़ता है दिल्ली, दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली से फिर आपको अमृतसर आना पड़ता है, अमृतसर से फिर वाघा बॉर्डर पैदल चलकर आपको क्रॉस करना पड़ता है, फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद, फिर मरी क्रॉस करने, फिर मुजफ्फराबाद पहुंचने। ये 2 दिन का सफ़र है, यहाँ से 2 घंटे का है, वहाँ से 2 दिन का है। ऐसा ही होता है जब सियासतदान या किसी भी वजह से ज़मीन पर लकीरें खींच दी जाती हैं, पॉलिटिकल लाइंस हो जाती हैं, बॉर्डर्स बना दिए जाते हैं, तो बिल्कुल एकदम करीब वाली जगह है जो मुजफ्फराबाद है, यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है। जैसे श्रीनगर जाने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, वैसे मुजफ्फराबाद जाने में भी 2-2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं इनको पहले दिल्ली जाना पड़ता है, मतलब दिल्ली से फिर अमृतसर जाना पड़ता है जी, अमृतसर से फिर लाहौर, लाहौर से फिर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद तो यहाँ से सीधा एक इधर भी तो रूट है, मुजफ्फराबाद से एक रूट आता है, वहाँ से नहीं होती एंट्री? वो बस सर्विस चल रही थी, फिर बस सर्विस चल रही थी। हाँ जी, चल रही थी, वो बंद हो गई हुई है। कब बंद हुई वो? वो शायद 2 साल हो गए वो बंद है, 2 साल से। तो उससे पहले तो उसी से बस सर्विस से जाते होंगे? नहीं, हमें कहाँ परमिट देते हैं, ये तो मेरी कुछ खुशकिस्मती थी, मुझे पासपोर्ट मिल गया था, मैं होके आ गई। नहीं नहीं, पासपोर्ट तो जैसे आप रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत यहाँ आए तो आपको यहाँ का पासपोर्ट तो मिला होगा, सिटीजनशिप मिली होगी आपको, आपको वोटर आई डी कार्ड मिला होगा? वोटर आई डी कार्ड भी है, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की थी, MA मैंने यहाँ से किया, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से, लेकिन पता नहीं बीच में कौन सी इशू। पढ़ाई कितनी की है आपने? मैंने MA किया हुआ है। MA? MA किस सब्जेक्ट में? मैंने उर्दू में की है। उर्दू में MA किया है, नौकरी भी की है? नहीं, अप्लाई तो बहुत किया, नौकरी मिली नहीं। मिली नहीं जी। अच्छा, फिर शादी हो गई आपकी और फिर इधर आ गए, वो सारी चीज़ें हुई, तो आपको इधर वाला रूट से क्यों नहीं जाने दिया जाता? पता नहीं, ये कुछ हुकूमतों के दरमियान। तो यहाँ से ये जो रूट है इसमें किस चीज़ के लिए ज़्यादा काम में लिया जाता है? यहाँ ट्रक्स या सामान के लिए होता है, लोग आते जाते नहीं, ये 2-in-1 था, सामान भी आता जाता था और उसके अलावा जो है तो पैसेंजर बस भी चलती थी। फिर पता नहीं इनको क्या है आपस में, इनके क्या मामले आते हैं हुकूमतों के, क्यों बंद कर दिया हुआ है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में ये खुलना चाहिए रास्ता, किसी बेटी को महके से
दूर तो मायके से ही है, इतनी दूरी बना दी ना, अच्छी बात नहीं है वैसे। मेरे ख्याल में ये हुकूमतों को इस बारे में सोचना चाहिए कि बेटियों को आने जाने का रास्ता देना चाहिए इनको। मुजफ्फराबाद की है ये, मुजफ्फराबाद मतलब पीओके, और पीओके को लेकर एक ख़ास सोच, जैसे भी हो हमारे मीडिया की रिपोर्ट्स आती है या कुछ और भी वजह से एक सोच बन जाती है कि मुजफ्फराबाद के लोग ऐसा सोचते होंगे इंडिया के बारे में, वैसा सोचते होंगे, पर आपके सामने एक मिसाल है मुजफ्फराबाद वाले लोग किस तरह के हैं, किस तरह का उनका नेचर है। मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में नेचर हर बंदे की अपनी है, ठीक। अलबत्ता हम लोग वहाँ से जब यहाँ आए, अमन का पैगाम लेकर आए, अमन बरकरार भी रखेंगे। जब हमने अपने घर में, घर को चाहते हैं कि घर में तरक्की हो, तो हम यही चाहेंगे मुल्क में भी तरक्की हो। तो आगे ये जो चुनाव लड़ने का मकसद यही है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। और ख़ासकर ये जो औरतें हैं यहाँ पे, उनको भी सामने आना चाहिए, अपने मर्दों के शाना बशाना उनको भी काम करना चाहिए। मेरा अच्छा, मकसद यही। उम्र का एक हिस्सा आपने पीओके में मुजफ्फराबाद में गुजारा, और अब आप करीब 10 साल से इस कश्मीर में हैं, तो 10 साल में आपकी नज़रों से कश्मीर को किस तरह देखा आपने? मेरी दोनों में अगर फ़र्क हम देखें। हाँ, फ़र्क तो मैं आपको बताऊँ, वो जो जो टाइम पीरियड मैंने वहाँ पे गुजारा वो बचपन था। तो जवानी, शादी का, मेरे ख्याल में बेटी का जो असली घर होते तो वो ससुराल होते, मैं का उसको छोड़ना होते। तो जब बेटियाँ अपने घर में आबाद होती हैं, खुश होती हैं, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो मेरे ख्याल में उनके लिए वही चीज़ अच्छी है जहाँ उनके अपना परिवार होते, उसी के साथ वो खुश होंगी। अलबत्ता इतना है, मैंने आपको बताया कि आने जाने का थोड़ा हम लोगों को, इनको चाहिए कि हमें आने जाने में दिक्कत ज़्यादा, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए हमें। बाकी ठीक, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अपने घर में खुश हैं। कश्मीर से बाहर के जो लोग हैं उनके लिए कई तरह के नैरेटिव चलते हैं, जैसे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, कश्मीर में इस पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट है, या कश्मीर में, कश्मीर के लोग आज़ादी चाहते हैं। आपने आकर, क्योंकि आप 10 साल से आए, आप पहले से कश्मीर को उतना शायद नहीं देखा होगा या नहीं जानते होंगे, आपने कश्मीर को उस तौर पर जुल्म वाली बात है या इस तरह की चीज़ें हैं, क्या कहना चाहेंगे उसमें? मैं क्या बताऊँ आपको इस बारे में, वैसे यहाँ के जो हालात हैं ना, मेरे ख्याल में हालात से तंग आ गए। यहाँ हालात कैसे लगते हैं, ठीक लगते हैं, अच्छे हालात हैं? नहीं, हालात यहाँ ठीक नहीं रहते हैं। डेवलपमेंट के हिसाब से? डेवलपमेंट इसी वजह से नहीं हो रही ना, जब हालात ठीक नहीं रहते हैं तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी। जब हालात ठीक रहेंगे डेवलपमेंट भी होगी, जब तक ना आपके मुल्क में अमन होगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होगी। और डेवलपमेंट तभी होगी जैसे, जब सोमया सदफ जी जैसा या कोई और उस प्रोसेस में, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में गवर्नमेंट में हिस्सेदारी लेता है, हथियार उठाने से या उस रास्ते से डेवलपमेंट नहीं होगा, ये समझते हैं? नहीं, उस तरीके से नहीं। अगर देखें और भी कोई हो बात जो है, तो वो मेरे ख्याल में लड़ाई किसी या फितना फसाद किसी मसले का हल नहीं है। मेरे ख्याल में बातचीत के ज़रिए मामला तय करने चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े से। चलिए, आप इस इलाके के लिए एक आइकन की तरह हैं, एक फ़ीमेल आइकन की तरह हैं, लोग आपको बहुत मानते हैं, इज़्ज़त करते हैं, जैसा आपने कहा आपसे सलाह लेने के लिए भी आते हैं। कश्मीर में जो बाकी हिस्सों में लोग हैं जिनका शायद लोकतंत्र में, जमहूरियत में कम भरोसा है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सबको यही बताऊंगी कि आप लोग सबसे पहले अपनी सोच बदलें, तो इंशाल्लाह आप लोग भी तरक्की करोगे, मुल्क भी तरक्की करेगा, लेकिन तब जब आप लोग अपनी सोच बदलोगे। हम लोग अपनी सोच बदलेंगे तब तक जो है, तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि हम लोग या हमारा मुल्क सुधर सकते हैं। जमहूरियत में भरोसा होना चाहिए, सोच बदलने का मतलब? सोच बदलनी चाहिए, सोच। जब तक हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो हम किसी जगह, इलाके या मुल्क में बदलाव नहीं ला सकते हैं, जब तक ना अपनी सोच बदलेंगे। आप अपनी सोच बदलिए, कश्मीर खुद ब खुद बदल जाएगा।
सोम्या सदफ जी का ये कहना है और मुझे लग रहा है इस बात के बहुत गहरे मानी है। शुक्रिया, आप ललन टॉप देख रहे हैं। कैमरा के लिए मेरे साथ हैं अमितीश और हम कश्मीर के बहुत इलाकों में जा रहे हैं, अभी कुपवाड़ा में हैं और भी इलाकों में जाएंगे। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स इसी तरह की चीज़ें हैं, इसी तरह की बातें, नई नई कहानियाँ आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो, आपको कोई बात कहनी हो, कुछ और चीज़ें आप हमारे ज़रिए कश्मीर की देखना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वहाँ तक भी जाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप।